अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है करंट्स ऑफ एटलांटिक ओशन। इससे पहले हमने ओशन मूवमेंट में करंट्स को डिस्कस किया और आज हम एटलांटिक ओशन के करंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। करंट्स को डिस्कस करने से पहले एटलांटिक ओशन के लोकेशन को देख लेते हैं। एटलांटिक ओशन के ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका है और इसके वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। अगर एटलांटिक ओशन के एग्जैक्ट लोकेशन को देखा जाए तो ये एटलांटिक ओशन है और इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन लाए करता है, जबकि इसके साउथ में सदर्न ओशन है। जैसा कि आप मैप के ऊपर देख सकते हैं, एटलांटिक ओशन को इक्वेटर टू हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट। सो फर्स्ट हम करंट्स को नॉर्दर्न पार्ट में डिस्कस करेंगे, मींस नॉर्थ एटलांटिक ओशन के करंट्स को पहले डिस्कस करते हैं। जैसा कि अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करता है तो विंड्स और करंट्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ये नॉर्थ एटलांटिक ओशन के करंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। करंट्स जब अर्थ रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगी। एंड फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट जो इक्वेटर के पैरेलल रन करेगी वो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट से स्टार्ट होगी और टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका रन करेगी, जो एक वार्म करंट है। यहाँ पे आप लिस्ट में वार्म और कोल्ड करंट्स देख सकते हैं। और जैसे ही ये ब्राजील के कोस्ट के साथ स्ट्राइक करेगी तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक नॉर्थ की तरफ मूव करेगी और दूसरे साउथ की तरफ मूव करेगी। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे रन करते हुए कैरेबियन आइलैंड्स के साथ स्ट्राइक करेगी और टू पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसका वो पार्ट जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में एंटर होगा उसको कैरेबियन करंट कहते हैं और दूसरा पार्ट वेस्ट इंडीज के ईस्टर्न कोस्ट को वॉश करेगा, जिसको एंटिलीज करंट कहते हैं। जब कैरेबियन करंट गल्फ ऑफ मेक्सिको से निकलकर फ्लोरिडा तक पहुंचता है और यहाँ पे एंटिलीज करंट, तो दोनों कंबाइन हो जाते हैं और फ्लोरिडा के कोस्ट को वॉश करते हैं और इसको फ्लोरिडा करंट कहते हैं। फ्लोरिडा करंट कैपेट्रिस तक रन करता है और कैपेट्रिस के बाद ग्रैंड बैंक्स तक इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये जितने भी करंट्स हमने डिस्कस किए जो रेड कलर में है, क्योंकि ये इक्वेटर से हायर लेटिट्यूड्स की तरफ मूव करते हैं, सो ये सारे करंट्स वार्म करंट्स हैं। पोलर एरिया से एक करंट मूव करते हुए लोअर लेटिट्यूड की तरफ आता है और न्यूफाउंडलैंड में गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलता है। इस करंट को जो कोल्ड करंट है लेब्राडोर करंट कहते हैं और न्यूफाउंडलैंड के साथ इन दोनों करंट्स के कॉन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे थिक फॉग बनता है। पोलर एरिया से एक और कोल्ड करंट फ्लो करता है बिटवीन ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड, जिसको ईस्ट ग्रीनलैंड करंट और इरमेंगन करंट भी कहते हैं। इरमेंगन करंट यहाँ पे नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट में आके मिलता है, क्योंकि जब ये दोनों करंट्स यहाँ पे आके मिलते हैं तो वेस्टर्लीज के इफेक्ट की वजह से ये टुवर्ड्स वेस्ट मूव करते हैं। नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट को नॉर्थ एटलांटिक करंट भी कहते हैं और जैसे ही ये नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट ब्रिटिश आइसल्स तक पहुंचता है तो यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट टूवर्ड्स नॉर्थ रन करता है और दूसरा टूवर्ड्स साउथ रन करता है। जो नॉर्थ की तरफ रन करता है उसको नॉर्वेजियन करंट कहते हैं, जो नॉर्वे के कोस्ट को वॉश करता है, और ये एक वार्म करंट है
जो साउथ की तरफ मूव करता है दैट इज कैनरीज करंट। और जैसा कि ये हायर लेटिट्यूड से लोअर लेटिट्यूड की तरफ मूव करता है तो इसको ये कोल्ड करंट है, और ये यहाँ पे आके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ मिल जाता है और सर्किट कंप्लीट करता है, जिसको नॉर्थ एटलांटिक गायर भी कहते हैं। इन करंट के मूवमेंट की वजह से इस पार्ट में एक काम एरिया बनता है जिसको सरगासो सी कहते हैं। सरगासो सी एक्चुअली काम पार्ट ऑफ एटलांटिक ओशन है। यहाँ पे थिक ग्रासेस ग्रो करते हैं जिसको सरगासम कहते हैं। और जितने भी सीज हैं ये टोटली डिफरेंट है उन सीज से, क्योंकि इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। ये जो थिक ग्रास है इसका कलर एक्चुअली ब्राउन है, और इन्हीं ब्राउन सीवीड्स की वजह से इसको हम रेस्ट ऑफ द एटलांटिक ओशन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये 1100 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट इज करंट्स ऑफ साउथ एटलांटिक ओशन। जो एटलांटिक ओशन का सदरन पार्ट है उसको साउथ एटलांटिक ओशन कहते हैं, और यहाँ पे हम करंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये साउथ एटलांटिक ओशन के करंट्स हैं जिनको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वार्म और कोल्ड करंट्स का एक लिस्ट बना लेते हैं। वार्म करंट को रेड कलर से डिनोट करते हैं जबकि कोल्ड करंट को ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होगा और मूव करेगा टूवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। और जैसे ही ये ब्राजील के कोस्ट तक पहुंचेगा तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक नॉर्थ की तरफ मूव करेगा और दूसरा साउथ की तरफ मूव करेगा। जो साउथ की तरफ मूव करेगा दैट इज ब्राजील करंट, और क्योंकि ये इक्वेटर से स्टार्ट होता है और टूवर्ड्स द पोल्स मूव करता है इसलिए ये जो करंट है ये वार्म करंट है। और साउथ इक्वेटोरियल करंट का जो पार्ट नॉर्थ की तरफ मूव करेगा वो रिटर्न होगा और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा, जिसको काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे अटलांटिक ओशन के ईस्टर्न साइड से बहुत सारा वाटर लेके जाता है टूवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट। तो इसको बैलेंस करने के लिए काउंटर इक्वेटोरियल करंट है जो इस वाटर को वापस लेके जाता है, और इसी तरह वाटर की क्वांटिटी सेम रहती है। पोलर एरिया से एक और करंट मूव करेगा टूवर्ड्स द फाकलैंड्स आइलैंड, जिसको फाकलैंड करंट कहते हैं, और क्योंकि ये पोलर एरिया से मूव करता है इसलिए इसको कोल्ड करंट कहते हैं। और जब ब्राजील करंट और फाकलैंड करंट यहाँ पे आके कंबाइन होते हैं तो वेस्टर्लीज के इफेक्ट की वजह से ये टूवर्ड्स ईस्ट मूव करते हैं, जिसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। इसको साउथ एटलांटिक करंट और साउथ एटलांटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं। जैसे ही ये साउथ एटलांटिक ड्रिफ्ट केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है तो ये टूवर्ड्स नॉर्थ रन करता है, जिसको बेंगुएला करंट कहते हैं। और जैसे कि ये जो करंट्स हैं ये फ्रॉम हायर लेटिट्यूड्स टूवर्ड्स द लोअर लेटिट्यूड्स मूव करती हैं सो ये कोल्ड करंट्स हैं। और बेंगुएला करंट आगे मूव करते हुए साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ मिल जाता है और सर्किट कंप्लीट करता है, जिसको साउथ एटलांटिक गायर भी कहते हैं। गायर का वर्ड हमने नॉर्थ एटलांटिक ओशन में भी डिस्कस किया। सो व्हाट इज गायर? गायर एक्चुअली इन सर्कुलेटिंग ओशियनिक करंट्स के सिस्टम को कहते हैं, और ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होता है। मींस जब अर्थ रोटेशन करता है तो कोरियोलिस फोर्स प्रोड्यूस होता है,
जिसकी वजह से ये करंट्स मूव करते हैं और गायर्स बनते हैं। सो एटलांटिक ओशन में दो गायर्स हैं, द वन इज नॉर्थ एटलांटिक गायर एंड द सेकेंड इज साउथ एटलांटिक गायर।